कई बार होता है कि बहुत सारे जो गांव घर के है, गरीब आदमी सब है, वो जो फॉरेन में विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, तो पहले क्या होता है कि कंसल्टेंसी जो ऑफिस होता है उससे संपर्क करना होता है, या जो दलाल होते हैं, जो बीच का बिचौलिया होते हैं, वो भी अच्छी खासी पैसा खा लेता है और ऑफिस वाला तो खाता ही खाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं कहीं लगाया था ऑफिस में, तो वो जो मेरे साथ धोखा किया है ना, मैं उसको लगाया, मैं मतलब अपना सीवी दिया, डॉक्यूमेंट सेंड किया, तो वो नया वो हमको बोला कि भैया आपको ऐसा ऐसा है कि आपको ये कंट्री में है, आपको जो है इतने दिन में आपको जो ऑफर लेटर आ जाएगा, आपको फिर से वहाँ पे जाना पड़ेगा और आपको जो है पैसे जो है मेडिकल चार्ज है इतना लगेगा है ना। हमको बताया कि ये आपको जो है मेडिकल चार्ज जो है 6,500 रुपया रहेगा। हम बोला ठीक है, हम जो हम आपको दे देंगे मेडिकल चार्ज जो, तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो वो बोला कि यहाँ यहाँ एड्रेस है, यहाँ यहाँ पे जो है मेरा चलता है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। हम बोला ठीक है, जब जब मेरा जो ऑफर लेटर आएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो बोला कि हम बोला कि कब तक आएगा? वो बोला 2-3 दिन में आ जाता है, जैसे आप पेपर हम सेंड करेंगे तो उधर से रिप्लाई 2-3 दिन में आ जाता है। हम बोले ठीक है, हमको भेज दिया जो है ऑफर लेटर आया। तो ऐसा नहीं, मेरा दो दो ऑफर लेटर आया मेरे पास, एक वो है जो मैम है उसके ज़रिए और एक और जो आदमी है उसके ज़रिए मेरे पास जो ऑफ़र लेटर आया। और मैं जब मैं उस ऑफ़र लेटर को सर्च किया और करवाया किसी के ज़रिए, तो वो दोनों का दोनों फ्रॉड निकला। पहले तो फ्रॉड निकल गया कि जो ऑफिस का जो है मैं उसको एड्रेस मांगा। तो आप बताइए, जब भी हम अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं, अगर हम आपसे पूछेंगे कि भैया आप हमसे आप काम करवा रहे हैं या हम आप हमसे काम करवा रहे हैं, तो हम जानेंगे ना कि भैया आपका एड्रेस कहाँ है, या आप जानिए ना भाई इसका एड्रेस यहाँ है, ये जानना ज़रूरी है ना। अगर हम फेसबुक ट्विटर कहीं से भी उसका नंबर लेकर बात किए, ठीक है, अब सोचे कि मैं बाद में बात उसके करके अपना उसका ऑफिस का एड्रेस ले लूँगा। जब मैं ऑफिस का एड्रेस मांगा तो आज संडे है, तो आज वर्किंग डे नहीं है, तो ये है आज वो है, ऐसे ही करके टालता क्या बताओ। जब बात कर रही तो वर्किंग डे नहीं है, ऑफिस का डे नहीं है, और जब मैं उसको एड्रेस मांग रहा हूँ तो बड़ा वर्किंग डे नहीं है, कर लूँगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर हम आपसे काम करवा रहे हैं तो आपको एड्रेस मांगेंगे, आपका ऑफिस का एड्रेस कहाँ है तो वो दीजिएगा ना। ऐसा होता है कि हम अब कहीं फेसबुक ट्विटर से नंबर ले आपसे बात किए, आप बातें बात पे हम आप मेडिकल करवा ले, आप ऑफर लेटर गलत भेज दिए, उसे ये करवा ले, सब कुछ करवा ले, ऐसा नहीं ना होता है। आप कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो जानते हैं ना कि ये ऑफिस है। मान के चलिए अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो किसी से ऑफिस में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है क्या? बाहर से अगर रूट से कोई देख रहा है, हाँ भाई ये ऑफिस है, तो इसके लिए भी क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है? भाई लोग, आप लोग जानते हैं क्या कहीं कि भाई ऑफिस को भी देखने के लिए बाहर से देखेगा उसके लिए अपॉइंटमेंट लगेगा क्या? तो बोर्ड के जो लगा रहेगा उसको भी देखने के लिए क्या अपॉइंटमेंट लगेगा? तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास दो आया, कुवैत का ही था है ना, कहीं मैं मोबाइल नंबर कहीं गलत लिख रखा है, तो कहीं मैं जो है कंपनी का नाम ही गलत लिख रखा है, कहीं जो है बनाया हुआ है जो ऑफर लेटर उसमें कंपनी का नाम ही नहीं है, नाम ही गोल कर दिया है, कहीं ऑफर लेटर में है किसी में जो है मेडिकल का डेट है, किसी में मेडिकल का डेट ही नहीं है। तो मैं आपको दो दिखाऊंगा, इसमें एक मेडिकल का डेट ही दे रखा है, इतना तारीख आपको मेडिकल करा के देना है, और एक में तो कुछ है ही नहीं है ना, सिर्फ हमको भेज दिया है, और उसमें जो कंपनी का नाम है वो जो टाइपिंग किया हुआ है, एडिटिंग किया हुआ है लैपटॉप से, वो गलती किया हुआ है। तो मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरीके से है ना आता है, तो आप जो है इन आदमी सबसे बचिए, आप ऐसे ऐसे पता लगाइए, जैसे मैं आपको पूरा वीडियो में बना के दिखाया हूँ, तो इस तरीके से आप पता कीजिए कि कैसे क्या है नहीं है, इसके बाद ही आप आगे भेजिए। अचानक नहीं भेजिए कि हाँ हमें जॉब मिल गया, हमें जॉब मिल गया, अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं है ना, ऐसे नहीं किए कि अब हम जा रहे हैं है ना, हमको जॉब मिल गया, तो यह ना भैया आपको गला काट के टांग देगा, ऊपर लटके रहिए, इसे झूलते रहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे झूलते रहिए, तो ऐसा नहीं कीजिए ना, इसे झूलते रहिएगा, और आपका गला काट के वो ऐसमच करेगा, ऑफिस वाले से पैसा खाएगा, और आप परेशान रहिए, आते जाते रहिए, आपको कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप बुला लेगा, मेडिकल करा लेगा, कहेगा भैया इंटरव्यू है, वहीं पर आपको 4 दिन बैठे रहेगा ऑफिस का, आपको इंटरव्यू करवा लेगा, छांट के आपको घर पे बिलका देगा, भैया आपको ऑफिस में जो है आपका जो है इंटरव्यू में छांट गए, तो आप क्या कीजिएगा? आपको मेडिकल भी हो गया, पैसा भी चल गया, गए आए खाए पिए सब बर्बाद है ना। तो इस तरीके से बचने के लिए अब कैसे बचेंगे, कैसे क्या करना है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके दिखाया हूँ कि किस तरीके से आपको बचना है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और आपको क्या करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाया हूँ, और जो भी पर्सन है जो इस तरीके से फ्रॉड करते हैं और कहाँ है, मैं उसको प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो में दिखाया हूँ। सो मैं इंजीनियर राजा, और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस रेड बटन को दबा के
और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप जाना। तो हमें ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव घर में जो है लेबर क्लास का आदमी है, जो सूद पे लोन पर पैसा लेके जाते हैं और इस तरीके से फ्रॉड के जाल में फंस के वो बर्बाद हो जाते हैं और कर्जदार हो जाते हैं। तो मैं सोचा कि नहीं, इस पर हमको एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर देनी चाहिए। जो भी मेरे व्यूवर्स है या मेरे व्यूवर्स नहीं है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और इस तरीके से सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो वो जो है बचे और सावधान हो जाए। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकली करके दिखाया हूँ, वो भी आप देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Shut up and sit down. कई बार होता है कि हमें कहीं बाहर जाना होता है फॉरेन कंट्री में, तो हम लोग क्या करते हैं कि कंसल्टेंसी वाले पे विश्वास करते हैं कि भैया वो हमको सही काम करा के देगा, चाहे फीस जो भी हो। बेचारे गांव घर के गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, लेबर क्लास के होते हैं, वो सूद पे मूड पे पैसे लेके वो कंसल्टेंसी वालों को देते हैं और वो क्या करते हैं कि उसके साथ धोखा करते हैं, फ्रॉडिंग करते हैं, और वो चाहते हैं कि किस तरह कि मैं उसको जो गरीब आदमी है उसको मैं किस तरीके से लूट लूं, पैसे उसको ले लूं। तो अब तो ये हो गया है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो अब ये हो गया है कि कोई भी आदमी जो है डायरेक्ट पैसा तो देता नहीं है, क्योंकि भाई अभी सभी के पास मजबूरी है। तो अब करने क्या लगा है कंसल्टेंसी वाले सब कि अब मेडिकल डॉक्टर जो है उसे संपर्क कर लिया है और उसके ज़रिए कमीशन खाता है। अब तो कोई मांगेगा कि भैया मेरे ऑफिस का फीस है 5,000, तो कोई देगा नहीं। कोई बोलेगा मेरे ऑफिस का फीस है 10,000, तो कोई देगा नहीं। तो अब कंसल्टेंसी वाले करते क्या हैं कि जो भी कस्टमर होते हैं उसको मेडिकल के नाम पे फंसा देते हैं और डॉक्टर के साथ मिले रहते हैं और उससे पैसे खाते हैं, कमीशन खाते हैं। तो मैं आपको इसमें पूरा क्लियर करने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ कि अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई किए हैं फॉरेन कंट्री के लिए विदेशों में, तो आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो। और मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको सोचा इस पे मैं एक वीडियो बना दूँ प्रॉपर कि मेरे जो भी फ्रेंड है जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अगर कहीं दिए हुए हैं तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि कंसल्टेंसी वाले ऐसे ऐसे जो है फ्रॉड आपको पेपर देंगे कि आप पकड़ नहीं पाइएगा। और मैं इसको कैसे पकड़ा हूँ मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि मेरे पास जो दो ऑफर लेटर आया था वो दोनों को दोनों फेक था। तो मैं अब अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं जो हमें व्हाट्सएप पे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं व्हाट्सएप जो है मेरा मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो मैं यहां से व्हाट्सएप को ओपन करता हूं और व्हाट्सएप को ओपन करके मैं दिखाता हूं कि इसमें जो हमें भेजा हुआ है ऑफ़र लेटर वो कितना फेक है, ठीक है। तो और अगर इस तरीके से अगर आप लोगों के पास भी आता है तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि भैया आप लोगों को लूटने वाला है पैसा। तो मैं इसको आपको ओपन करता हूं। यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है, मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं कि विक्रम सिंह, यह है CHIN, यह है चंडीगढ़ का है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड अंजू, ये भी चंडीगढ़ का है, ठीक है। तो ये हमको ब्लॉक कर दिया इसलिए कि मैं इससे प्रॉपर एड्रेस पूछ रहा था 2-3 दिन से, तो ये मेरा एड्रेस नहीं दे रही थी ये मैडम, और गलत एड्रेस भी दिया, ठीक है। मैं फिर इसको बोला कि आप मेरे साथ फ्रॉडिंग कर रही हो, तो ये हमें ब्लॉक कर दिया। और मैं कैसे बोला कि मेरे साथ फ्रॉडिंग कर रही हो, कि मैं जो भी मेरा ऑफर लेटर दिया मैं उसको चेक करवाया था। तो मैं पहले इसको मैं ओपन करता हूँ, ये अंजू वाले मैम को मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैं इसको बहुत सारा प्रेस किया तो मुझे ये जो है यहाँ बॉम्बे का ये जो है ऑफिस का एड्रेस दिया, जबकि ये चलाती है चंडीगढ़ में, और ये हमको फेक दिया ऑफिस एड्रेस, फेक ऑफिस एड्रेस दिया। मैं इसको बैक करके मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैं इसको बोला कि आप हमें अपना ऑफिस का एड्रेस दीजिए, ठीक है। तो वो हमें क्या बता रही थी, पहले देखिए कि सर कल तक कर दूंगी, जब देखिए यहाँ 11 अप्रैल संडे है, और संडे में क्या बोल रही है सर आज वर्किंग डे नहीं है, मतलब ये हमें ये ऑफिस का एड्रेस देगी ना तो वर्किंग डे है, ये बात कर रही है तो ये वर्किंग डे नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड ये जो मैम है, और इसका मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दिखाऊंगा आपको। तो आप देख रहे हैं कि सर कल तक कर दूंगी और आज वर्किंग डे नहीं है, मतलब संडे के दिन में बात कर रहा था तो बोलता आज वर्किंग डे नहीं है, कल तक कर दूंगी। आप बताओ कि कोई भी जो भी आप कोई भी पर्सन है उसका अपना घर का एड्रेस पूछेगा तो वो बोलेगा कि मैं कल तक दूंगा, कि यह सब हो सकता है। अगर हम इससे काम करवा रहे हैं तो हमको तुरंत देना देगा कि भाई ये मेरा ऑफिस का एड्रेस है या ये मेरा घर का है, तो ये तुरंत देगा ना। ये बोल रहा है कि मैं कल तक दूंगी, क्या मतलब हो गया भाई, हम आपसे काम करवा रहे हैं तो आप हमें ऑफिस एड्रेस दीजिएगा ना, कि हम कहाँ से काम करवा रहे हैं,
है, मान के चलिए हमको फेसबुक ट्विटर कहीं से भी नंबर मिला, आपसे बात हुई, तो आप हमें दीजिएगा ना कि भाई हाँ ये मेरा प्रॉपर एड्रेस है, आप विजिट करके आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि अब कोरोना काल चल रहा है ऐसे वैसे है ना, अब अभी आप नहीं आ सकते। मैं आप इसको आपको इसको सुना के दिखाऊँगा, यहाँ मैं इसको जो बोले हुआ है मैं आप उसको आपको सुना के दिखाऊँगा कि ये क्या बोला बोला कोरोना काल है, ऑफिस में अभी नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आदमी छुट्टी में है या नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे जो है बात ये बोली हुई है। मैं आपको इसको ओपन करके सुनाता हूँ कि इसमें मैम क्या बोली हुई है, तो ये आप प्रॉपर सुनिए। इसलिए बोला है क्योंकि मेरे पास ऑफिस का विजिटिंग कार्ड नहीं है, क्योंकि मेरा फोन खराब है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। एंड देन सेकंड, आपको खुद पता होगा कि कोविड की वजह से कोई भी अब सुन लिए कि ये बोले कि अभी मेरा फोन खराब है, जबकि ये बात कर रहे तो फोन नहीं खराब है, देख रहे हैं कितना फ्रॉड है ये औरत। थोड़ा और सुन लिए क्या बोलती है ये। अलाउ नहीं करता ऑफिस में आना, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ताकि कोई भी जो आपको अटेंड करे वो छुट्टी पे तो नहीं है या उसके पास टाइम है या नहीं है, ठीक है। सेकंड अब सुन लिए कि क्या बोल रहे कि ऑफिस में नहीं आ सकते, ऑफिस में आने के लिए टाइम लेना पड़ता है। अब बताइए हम इससे काम करवा रहे हैं तो हमको तो ऑफिस का पता होना चाहिए ना ये कहाँ है। तो बोला आप ऐसे नहीं आ सकते हैं है ना, ऑफिस में आपको लेना आइएगा तो आपको टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, यही सब क्या। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप अपना ऑफिस का एड्रेस दीजिए। मैं हम नहीं आएंगे, हम बाहर से देख के चल जाएंगे, तो इसको तो देना चाहिए ना। ये बोल रही कि नहीं आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अभी कोरोना का काल चल रहा है ये वो है ना दस रंग का। फिर मैं इसको बोला कि मैम अपना एड्रेस दीजिए, यहाँ देखिए मैं फिर बोला हूँ कि मैम आप अपना एड्रेस दीजिए, यहाँ बोल रही है सेंड कीजिए मैम, तो बोला देखिए सेक्टर दिया है ये मेरा जो है एड्रेस दिया। आप बताइए कि मैं इस चंडीगढ़ में इस जगह पर जाऊँगा तो मैं यहाँ जगह पर जाकर जाऊँगा कहाँ पर है, कोई ऑफिस का एड्रेस ही तो नहीं है, कोई ऑफिस का नाम भी तो नहीं है इसमें ऐड किया है, यहाँ पर कुछ कुछ करके यहाँ पर देखिए डाल दिया है और ये चंडीगढ़ लिख दिया। मानेंगे चलिए हम जा रहे हैं चंडीगढ़ और इसे यहाँ पर जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर और सेक्टर 22, तो हम जाएंगे कहाँ, ये सी ओ ई क्या है, ये क्या है, ये कहाँ है, क्या चीज़ है ये है? कोई बोलेगा भैया गलत है ये, कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है। मैं फिर आपसे उनसे पूछा कि आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो बोली मैं मैरिड हूँ, ठीक है। और बहुत बड़ा फ्रॉड मैं आपको दिखाता हूँ हमको कैसे जो ये ऑफर लेटर दिए हुआ है, मैं सोचा इस पर एक प्रॉपर एक वीडियो बता दूँ। और देखिए हमको ये बोले थे क्या कि सर आप ना ये जगह पर आपको आके अपना मेडिकल कराना पड़ेगा, देखिए ये सब इसका ना ग्रुप चल रहा है पैसा लूटने का है ना, ये जो है गोपालगंज का एड्रेस है, यहाँ पे देखिए लाइफ लाइन डायग्नोस्टिक एंड एक्सपे सेंटर और ये एड्रेस हो गया। और ये जो है आपका जो है सिवान का, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो है सिवान का एड्रेस दिया है, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप लोग भी कहीं भी अगर इस तरीके के आपको आता है इसमें जाने का तो आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है, ये सब पैसा खाता है। और मैडम भी संपर्क की हुई है तो आप इस समय नहीं फंसिए। और मैं जो हमें ऑफर लेटर दिया है, मैं ऑफर लेटर दिखाता हूँ कि हमें ऑफर लेटर जो है वो कैसे दिया हुआ है, तो मैं आपको ऊपर आऊँगा। यहाँ पर देखिए कि मेरा ऑफर लेटर है जो यहाँ पे KCCEC कंपनी का है कुवैत का, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कि मैं आपको इसको बड़ा करके मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर देखिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पे पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे टेस्ट सिविल इंजीनियर नेशनलिटी आ गया और नाम आ गया। और यहाँ पे देखिए कि जो मैम जो हमें दी है ये ऑफ़र लेटर, यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं ऑफ़र लेटर, ठीक है। यहाँ पर डेट देखिए और यहाँ पे मैं आपको देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर रिपोर्ट लिखा है मेडिकल रिपोर्ट 15 अप्रैल, जबकि ऑफ़र लेटर होता है उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट एड ही नहीं किया रहता है, ठीक है। और इसमें देखिए कि आपका जो ऑफ़र लेटर है यहाँ पर आपको कहीं भी कंपनी जो है ये जो है KCCEC कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, मैं इसको नेट पर सर्च किया था गूगल पे, ये बहुत बड़ा कंपनी है ना, 500 साल पुराना कंपनी है। अब देखिए कि इसमें आपको कहीं भी जो है ना ऑफिस का जो है कंपनी का मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा, नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए नीचे तक मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट साइन भी किया हुआ है अहमद मुस्तफ़ा के नाम से, वही जो मैम है कोई करवाया होगा या खुद से कर दिया होगा। और यहाँ पर पूरा एड्रेस है, अब जानबे करते हैं कि मोहर डुप्लीकेट बनता है, यहाँ पर देखिए पूरा अपना किस तरह का डुप्लीकेट साइन किया हुआ है। और यहाँ पर पूरा टर्म एंड कंडीशन है। और यहाँ पर देखिए कि मेरा यहाँ पर सैलरी लगाया था 360 KD में, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए वेज ऑफ 360 KD पर मंथ है ना, ठीक।
है ना यहाँ पे, और प्लस आपका ओवर टाइम भी यहाँ पे लिख रखा है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ठीक है। मैं इसको जब सर्च किया हूँ कंपनी में, मैं बात करवाया, एक मेरा जो फ्रेंड है जो कुवैत में ही रहते हैं, मैं उनको बोला कि भैया ये कंपनी है और ये कंपनी का मैं नेट से नंबर निकाला था, ठीक है। और मैं बोला कि भैया इस आदमी मतलब कंपनी में बात करने के लिए कि जो इंडिया में मसीह रजा के नाम से कोई जो ऑफर लेटर गया है सिविल इंजीनियर के नाम से, यहाँ पर देख रहे हैं कि सिविल इंजीनियर मसीह रजा के नाम से कोई ऑफर लेटर गया है इंडिया में, तो मैं, मेरा फ्रेंड है कुवैत में और मैं उसके जरिए बात करवाया था कंपनी में, तो कंपनी वाला बोला कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी फ्लैट बंद है, ठीक है, और किसी भी देश के लिए कोई पर्सन के लिए जो है ऑफर लेटर इशू नहीं हुई है यहाँ से। अगर आपको कोई दे रहा है तो समझिए ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा जो ये गैंग का अड्डा चला रही है सब, है ना। तो आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ऐसा कोई यहाँ से ऑफर लेटर नहीं गया हुआ है, इशू नहीं हुआ है, तब मैं पूरा कन्फर्म हो गया कि नहीं ये फेक है, ठीक है। इसके बाद मैं जो लोकल नंबर है उसे कॉल भी करवाया था वहीं निकाल के, ठीक है, आदमी भेजवाया, लोकल भी करवाया, ठीक है, ऐसा बोला कुछ नहीं है आपको ये फेक है। जब मैं इससे मैम से जब मैं एड्रेस वगैरह मांगने लगा तो हमें एड्रेस नहीं दिया, हमें एड्रेस नहीं दिया, तो हमें 101% कन्फर्म हो गया कि ये फेक है, क्योंकि हमें ये प्रॉपर एड्रेस नहीं दे रही थी। मैं 2-3 दिन से इसको बोला था एड्रेस देने के लिए। अब बताइए कोई भी पर्सन अगर कॉन्टैक्ट मांग के लिए शुरू में वो मोबाइल से बात कर रहा है, जब उसका काम हो रहा है तो अब उसका जो आप काम करवा रहे हैं तो आप अपना एड्रेस प्रॉपर दीजिएगा ना कि नहीं दीजिएगा। तो ये मैडम मैम जो है हमको लास्ट तक कल तक हमको नहीं दिया है, तो मैं सोचा इस पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूं कि जो भी बाहर जाते हैं और इस तरीक़े से जो है ऑफिस वाला कोई ऑफर लेटर देते हैं तो वो कैसे फंसते हैं और कैसे बचेंगे, वो मैं इस वीडियो में आप प्रॉपर सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा ये फर्जी है, और आपको जो है डायरेक्ट अगर आप जो कोई ऑफर लेटर देता है डायरेक्ट उस कंपनी का जो है मोबाइल नंबर जो है लैंडलाइन नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, वो निकालिए और डायरेक्ट है ना कोई फ्रेंड है कोई रिश्तेदार है उस कंट्री में वहाँ फ़ोन करवाइए ऑफिस में, वहाँ से पता कीजिए कि फ्रॉड है या फर्जी है, तो आपको इस सिचुएशन से बच सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से बचा हूँ। जब मैं इस मैम से प्रॉपर एड्रेस मांगने लगा ना तो ये आजकल वर्किंग डे है तो आज संडे है तो आज ये है वो है करके हमको टालने लगी, तो मैं समझ गया कि नहीं ये फ्रॉड है ना, हमको पैसा फंसवा देगी मेडिकल के नाम पे, कमीशन ये भी खाएगी, डॉक्टर भी खाएगा, है ना, और बीच में फंस जाएंगे हम, हमको कुछ नहीं ध्यान देना है। देखिए बोल रही थी मैं चंडीगढ़ की हूँ, चंडीगढ़ का है ये मैम, और हमको बम्बे का एड्रेस दे दिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। एक और है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं हमको इस तरीके से दो मिला है, तो एक तो ये हो गया, एक और है मैं यहाँ से मैं देख आता हूँ, ये तो देखिए है अंजू चंडीगढ़ में, इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ थिएटर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ भी कॉन्टैक्ट में क्लिक करता हूँ और ये जो है नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नंबर है, तो आप ये नंबर से सावधान हो जाइए अगर आपको कॉल आता है, ठीक है। अगर बोलते हैं कि मैं काम करवा रही हूँ आपका कोई भी कंपनी में, तो आप इस नंबर के चक्कर में नहीं फंसिए, ये जो है बहुत फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड औरत है, ठीक है। मैं बैक आता हूँ और एक और है मैं बैक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए विक्रम सिंह, ये भी चंडीगढ़ का है, ठीक है। मैं इसको बोला था कि सर आपके पास कोई वैकेंसी है, तो वही बोला हाँ ठीक है, वो भी हमें बोला कि आपको काम में करवा दूंगा, है ना, 3-4 कंट्री का है, तो बोला हम कौन पोस्ट पे है, तो वो बोला कि सिविल में मैं काम करवा दूंगा, ठीक, मतलब ठीक, मैं बोला ठीक है, कब तक आएगा, बोला 2-3 दिन में आ जाएगा। अब देखिए कि ये कितना बड़ा, ये भी कितना बड़ा है ना कमीना है, कितना बड़ा फ्रॉड है। मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करने के बाद देखिए कि ये कंपनी है, ठीक है। देखिए कल के डेट में भेजा है, यहाँ पर देखिए यस्टरडे, और यहाँ पर देखिए मैं बोला कि सर कब तक आएगा, यहाँ पर पूछा मैं कोई इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं सर कुवैत से, यहाँ पहले भी बोला था, यहाँ पर देखिए ऊपर मैं दिखाता हूँ, यहाँ मैं बोला हूँ कि सर देखिए, हेलो सर कौन से सुपरवाइजर में लगाए हैं, तो बोला सिविल में, ठीक है। और यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करके मैं पूछा कितना सैलरी है, तो ये बोला 200 से 300 KD के बीच में रहेगी, और मैं बोला कि कितने दिन में आएगा, तो ये बोला कि 2 दिन में आ जाएगा। यहाँ देखिए कब तक उधर से इन्फॉर्मेशन आएगा, हाँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बोला कब तक उधर से इन्फॉर्मेशन आने का चांस है सर, तो यहाँ बोला 2 दिन में आ जाएगी, और मैं बोला कि यहाँ पे आप, मैं बोला कि कितना सैलरी रहेगा, तो बोला स्टार्टिंग में आपका रहेगा इतना, यहाँ पर 200 से 300 KD के बीच में बोला था। मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं फिर मैसेज बोला था कि सर कोई इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं, तो बोला कि टुमोरो आई विल कॉल यू, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मैं बोला कि कब, मतलब कब तक कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, तो यहाँ पर बोला कि कल बात बता देता हूँ आप सर आपको। अब देखिए कि कल के डेट में हमको ये जो है भेजा है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि आप देखिए ये भी कितना बड़ा कमीना झूठा इंसान है। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए कि ये जो आप इसको जो स्पेलिंग इसका पढ़ लीजिए, ठीक है, ये स्पेलिंग पढ़ लीजिए, और मैं यहाँ पर आप जूम करके दिखाता हूँ, ये स्पेलिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि स्पेलिंग जो यहाँ पर है ALGHA
NIM है और यहाँ पर देखिए सीधा आप गलत कर दिया है। यहाँ पर देखिए कि सीधा गलत करिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है ALGHANIM इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर देखिए सीधे जो कंप्यूटर से एडिटिंग जो किया है खुद से वो, तो यहाँ देखिए ALGHAMIN कर दिया, ठीक। कंपनी का ये सही नाम है, ये जो है आपका ये सही नाम है NIM इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो टाइपिंग किया है, एडिटिंग किया है, वो अपने लैपटॉप से यहाँ गलती कर दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पकड़ा गया गलत, ठीक है, NIM है और यहाँ पर MIN कर दिया, ठीक है, पहला गलती। दूसरा गलती में ये जो है कंपनी है, ये जो मैं नेट पर देखा था तो ये कंपनी का मोबाइल नंबर मैं देखा था 22 से और 24 से है। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता है तो आप लोग भी नेट पर ओपन करके इसको आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता है तो आप लोग भी नेट पर ओपन कीजिए गूगल में या कोई ब्राउज़र को, उसमें आप ये कंपनी का नाम डालिए, उसका देखिए मोबाइल नंबर जो है 22 से और आपको 24 से मिलेगा। 23 से जो है ये कंपनी जो है इसका 23 से कोई नंबर ही नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे जो +965 है वो वहाँ की कोड है, यहाँ कुवैत की कोड है। अब यहाँ पे 23 98 85 78 ये वहाँ के मोबाइल टेलीफोन नंबर है, ठीक है, तो ये गलत नंबर है क्योंकि कंपनी का है जो 22 से और 24 से है, 23 से है क्या नहीं है 23 से नहीं है, ठीक है, 22 से और 24 से, और यही हमको जो एडिटिंग करके दिया है अपने से 23 से। दूसरा ये फ्रॉड है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये नंबर में वहाँ पर कॉल लगवाया था तो ये बोला था कि ये जो नंबर है सर्विस में नहीं है, तो मैं भी आपको ये जो है रिकॉर्डिंग जो मैं किया हुआ हूँ वो मैं आपको सुनाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो गलती हो गया, ये जो आपको दो गलती यहाँ पर हो गई, पहले ये या दूसरा ये। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलता हूँ, यहाँ पर देखिए कि ये गलती जो है ना एक ही जगह को कॉपी कर करके डालते गया है, तो ये जो एडिटिंग करने टाइम पहले तो यहाँ पर देखिए गलती हो गया। मैं दूसरा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ और देखिए कि वही गलती बार बार वो किया, यहाँ पर देखिए NIM की जगह पर MIN किया है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करके मैं और दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए जो है MIN और वहाँ पर NIM था, तो डायरेक्ट उल्टा कर दिया है, तो दो गलती है। और ये जो मैं इसको कब पकड़ा, मैं जैसे मैं इसको देखा कि नंबर गलती है, मैं कॉल करवाया तो समझ में आ गया कि नहीं ये भी बहुत बड़ा कमीना है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको कॉल करवाया था मैं अपने फ्रेंड से, तो वो हमको क्या बोला है। देखिए मैं अपने फ्रेंड को बोला था, है ना, तो ये सब जो इसका है जो है ये विक्रम सिंह है, ये चंडीगढ़ का, मैं बे कहता हूँ। मैं अपने फ्रेंड को बोला था, यहाँ पर देखिए कि मैं अपने एक फ्रेंड है, मैं उसको बोला था कि चेक करने के लिए, तो वो चेक किया तो वो हमको ये बताया। यहाँ पर देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि मैं इसको बोला था ये मतलब इस नंबर पर मिस कॉल करने के लिए कि ये नंबर पर कॉल लगता है या नहीं, हमको डाउट हुआ क्योंकि ये नंबर का जो चेंज कर दिया था इसीलिए हमको डाउट हुआ कि नहीं ये भी बहुत बड़ा झूठा लगता है, फ्रॉड है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बोला था चेक करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कि मैं इसको जो फोटो खींच के भेजा था जो है मोबाइल का, यहाँ पर देखिए मैं इस लड़का को भेजा था, यहाँ पे ये जो है नंबर भेजा था और मैं इसको बोला था क्या, यहाँ पर आप सुन लीजिए मैं इसको क्या बोला था। ये जो है ना कुवैत का जो है टेलीफोन नंबर है, थोड़ा वहाँ का जो आपका लोकल नंबर है ना उससे इस पर मिस कॉल मारिए, तो देखिए तो इस पर कॉल जो नंबर जो है इस पर आपका कॉल लगता है या नहीं, है ना, तो इस जो नंबर है ना फोन नंबर इस पर आप थोड़ा अपना लोकल नंबर से इस पर मिस कॉल दीजिए और देखिए इसकी ये जो नंबर है सही है या गलत नंबर है। तो आप सुन लिया ना कि क्या मैं क्या बोला हूँ और उसको बड़ा चेक करने के लिए। अब देखिए कि वो जो है हमको चेक करके बताया है तो क्या बोला है। यहाँ पर देखिए कि मैं जो बोला था कॉल करने के लिए, इसके बाद वो कॉल किया तो डायरेक्ट हमको ये फॉरवर्ड कर दिया, तो मैं आपको इसको सुना देता हूँ। ये बोलता है कि ये जो नंबर है सर्विस में नहीं है, तो मैं आपको सुना देता हूँ, है ना, कि ये मतलब डायरेक्ट हमको जो कॉलिंग किया है तो वो हमको डायरेक्ट जो है मोबाइल पर सेंड कर दिया है, है ना। और आप भी सुन लीजिए कि इसमें क्या बोला जा रहा है, तो आर्मी में बोलेगा और इंग्लिश में बोलेगा, ठीक है, तो इसको आप भी सुन लीजिए। तो आप सुन लिए ना ये नंबर मतलब बोल रहा है कि जो नंबर है सर्विस नहीं है, आप चेक अगेन मतलब आप दोबारा से चेक कीजिए कि ये नंबर गलत है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये फ्रॉड है, आप देख लीजिए इतना बड़ा फ्रॉड है ये कमीना, ठीक है। और हमको आज भी ये कॉल किया था, है ना, कि आप जा रहे हैं कि नहीं, देखिए मैं हमको कॉल किया था, मैं इसका कॉल ना पिकअप नहीं किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए ये विक्रम सिंह के है, हमको कॉल किया था, मैं इसका कॉल रिसीव नहीं किया हूँ,
तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं, ये इसका मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखा देता हूँ और ये कौन सा ऑफिस से है मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। अगर आप लोग इसमें से काम करवाते हैं मेरे भाई बंधु तो आप लोग ने सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो है ना पूरा अपना फ्रॉड का अड्डा चला रहा है, इसमें मैम ये सब मिली हुई है। ठीक है, मैं एक ही ऑफिस से मैं पहले दिखाया था, है ना, अंजू नाम करके है कोई औरत है और यहाँ पे ये विक्रम सिंह है, तो ये सब है ना वहाँ पर ऑफिस चलाता है, फ्रॉड का ऑफिस चलाता है। तो आप लोग अगर इससे काम करा रहे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लोग आपसे मेडिकल के नाम में पैसे ले लेंगे, फिर आपको होने वाला कुछ नहीं है, आप दौड़ते रहिएगा। तो मैं इसका मोबाइल नंबर आपको दिखा देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है इसका मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए, अगर इस नंबर से फ़ोन आता है तो आप लोग इससे बात ही नहीं कीजिए, कि अगर बात करते हैं तो फिर बोलेगा हाँ आपको काम हो जाएगा, इस कंट्री में है, दुबई है ओमान है, बहरीन है ना, कुवैत है, इस सब में है, आपको मेडिकल के नाम पर पैसा कर देगा, आप मेडिकल करवा लीजिएगा, बोलेगा आपका इंटरव्यू होगा, और होगा कुछ नहीं, बोलेगा भैया उसी का आदमी बैठा रहेगा, आपको इंटरव्यू में छांट देगा, है ना, बोलेगा भैया आपको इंटरव्यू में छट गए तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उसको कमीशन मिल गया, डॉक्टर कमीशन खा लिया, वो भी कमीशन खा लिया, बीच में फंस गए आप। तो इस तरीके से इस नंबर से सावधान हो जाइए, ये चंडीगढ़ का नंबर है, इसका ऑफिस वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऑफिस है। इसका 3-4 ग्रुप चलता है, ठीक है, मैं इसका एड दिखाता फेसबुक पे, उसका मैं वहाँ से निकाला था तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो मैं भी फंस जाता। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये श्री गणेश ओवरसीज है, ठीक है, ये जो आपका है चंडीगढ़ का है, तो इस ऑफिस यही ऑफिस है चंडीगढ़ का, ये बहुत बड़ा फ्रॉड ऑफिस है, इससे बचिए आप। ठीक है, ये भी हमको कॉल किया था, ठीक है, तो मैं इससे बात नहीं किया हूँ, ठीक है, मैं इसको बैक कर देता हूँ, यहाँ है, ठीक है, यहाँ इसमें है, मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इससे बात किया था तो बोला ठीक काम हो जाएगा, बट मैं इसको ओके करके वेट करने के लिए बोला, इससे बात भी नहीं किया, क्योंकि मैं समझ गया कि सब ना एक ही है और सब एक ही कंपनी का है और एक ही कंसल्टेंसी का ये सब, ठीक है। और ये देखिए कि मैं जो सब ऑफर लेटर भेजा, मैं इसको पकड़ लिया और एड्रेस वगैरह मांगने लग गया, तो ये मैम जो है हमें ना ब्लॉक ही कर दिया है ना, तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है हमें ब्लॉक कर दिया, और यस्टरडे में हेलो मैम वो बोला, तो यहाँ पर देखिए कि फिर हमसे कोई रिप्लाई नहीं दिया, यहाँ बोला कि कॉल पिक करो, बताती हूँ कॉल पिक करो, मगर मैं इससे कॉल ही पिक नहीं किया, क्योंकि मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है और हमसे जो मेडिकल के नाम पर पैसा ठग लेगी और हमको दौड़ा देगी इधर उधर, हमको कुछ नहीं होने वाला है, बोलेगा अब हो रहा है इंटरव्यू, और इंटरव्यू भी होगा तो उसी का आदमी रहेगा बैठा रहेगा, और आपको जो है या हमको या किसी को भी वो बुला लेगा, उसी का आदमी बैठा रहेगा, अब वो आलतू फालतू पूछ के बोलेगा भैया है ना, तुरंत तो रिप्लाई नहीं देता है कि भाई इंटरव्यू में क्या हुआ, बोलेगा भैया आपका नहीं हुआ है ना, आप छाँट गए, तो आप क्या कीजिएगा, आपका जो 6,500-7,000 रुपये जो इंटरव्यू में करवाए, जो गए आए खाए पिए, सब तो बर्बाद हो गया ना इस सबके चक्कर में। बताओ गरीब आदमी इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, या बहुत सारे जो गरीब होते हैं गाँव घर में वो सूद पर पैसे लेके मतलब बाहर जाते हैं कमा के देते हैं, और ये जो हराम के पिल्ले सब होते हैं ये सब जो है गरीब के पैसे लूटते हैं, तो इस सब से ना सावधान हो जाइए। मैं हम नंबर दिखा चुका हूँ, दोनों का नंबर दिखा चुका हूँ है ना, इस तरीके से आप इस सब से है ना बचिए है ना, ये बहुत फ्रॉड सब है, और यहाँ मैं इसको नंबर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, जो भी मेरे भाई बहन है, जो भी मेरे व्यूअर्स है ना, जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस तरीके से आदमी जो कॉल वॉल करता है इस सबसे सावधान हो जाइए है ना। ये चंडीगढ़ का है, श्री गणेश जो है ओवरसीज है, उसका आदमी है, ठीक है, तो इस सबसे आप बचिए। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मेरे जो भी भाई बहन हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं, अगर इस तरीका से आपको कोई ऑफर लेटर आता है तो पहले जो है आप जो नंबर है उस पर कहीं आपका फ्रेंड वगैरह है उस कंट्री में, तो कहिए कॉल करने के लिए कि भाई इस तरीका से कोई ऑफर लेटर आया है या कोई वहाँ से इशू हुआ है या नहीं इस नाम से, तो वो जो है आपको सही जानकारी वहाँ ऑफिस से मिल जाएगी कि नहीं इस तरीका से आपका कोई भी नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया, कॉलिंग का आपको सुना दिया कि ये जो है बिल्कुल गलत है, नंबर भी गलत लिख देता है ना, आदमी चेक नहीं करता, हुलबुल में जाने के चक्कर में है ना ऑफिस के चक्कर में पड़ जाते हैं और पैसा उसको काट देता है। तो इस तरीके से ऑफिस वाले जितने हैं इस तरीके से आप बचिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं अगर फंसे हुए हैं तो प्लीज़ आप फंसने से पहले मेडिकल करवाने से पहले आप पूरा प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए, आपको कोई फ्रेंड है उस कंट्री में है उसके जरिए अगर आपको दिखे, मैं दिखाया हूँ कि कहीं ये मोबाइल नंबर दिया है ऑफर लेटर में एक में और एक में जो ऑफर लेटर में मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर नहीं दिया है, तो आप जो नेट से कंपनी का नाम डालिए आप उसका पूरा ऑफिस का जो है मोबाइल नंबर फिक्स नंबर पूरा आपको आ जाएगा, वहाँ से निकाल के उस कंट्री में कोई भी पर्सन है या खुद इंडिया से भी आप उस जो है ऑफिस में बात कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो किसी को भी पकड़ लीजिए, क्योंकि भैया आप 10,000 रुपया खर्चा करने जा रहे हैं, 6,000 खर्चा करने जा रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो किसी कोचिंग में चल जाइए, वहाँ टीचर सब रहते हैं, बहुत
सर ऑफिस ऐसे आदमी रहते हैं जो इंग्लिश जानते हैं बोलना, उससे कहिए थोड़ा बात करने के लिए यहाँ इस नंबर पे फॉरेन कंट्री में कि भैया ये जो है इस नाम से आदमी के नाम से जो ऑफर लेटर निकला है या नहीं है या ये जो है फेक है, तो आपको जो है एग्जैक्ट बता देगा। आप शर्माइए नहीं तो शर्माइएगा तो भैया समझ लीजिए या वो 10,000-6,000 जो मेडिकल कराएगा ना वो बेकार चल जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं आती है इंग्लिश तो किसी से संपर्क कर लीजिए, है ना। ऐसे आपसे अगर आप किसी से संपर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप छोटे हो जाइएगा, ठीक है। और फंसने से तो अच्छा है ना भाई, परेशानी से बचने से तो अच्छा है ना, पैसा बर्बाद होने से, आपका पैसा जो बर्बाद होगा वो सबसे बचने से तो अच्छा है ना कि किसी से संपर्क कर लीजिए। अगर इस तरीके से आप फंस रहे हैं, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, अगर आप किसी से मिल रहे हैं और जो इंग्लिश जानता है, अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारा कोचिंग चलता है स्कूल कॉलेज में, वहाँ टीचर है वो जानते हैं इंग्लिश, तो वहाँ से जाके बोलिए सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास ये जो कागज़ आया हुआ है थोड़ा हमको बात करना है, मेरा यहाँ इस कंट्री में बात करना है कि ये जो है मेरे पास पेपर है वो फेक है या ओरिजिनल है, हमें ये आदमी दिया है, ये ऑफिस से दिया है, ये कंसल्टेंसी से दिया है। तो वो जो टीचर है या सर है जो भी आदमी है वो आपको वहाँ पे कॉल करके बहुत ही आसानी से आपको आपको बता देगा, है ना। उसको बोलिए जो भी आदमी अगर नहीं बता रख बोलिए भैया आप कुछ खर्चा वर्चा कर देंगे थोड़ा पता कर लीजिए, क्योंकि आपको 10,000 बर्बाद हो रहा है, 6,000 बर्बाद हो रहा है, अगर उसको एक पानी चाय खिला दिए तो आपको क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, आपको उतना तो बच रहा है ना, आप तो समझ जाएंगे ना कि ये फ्रॉड है या इस तरीके का आदमी है। तो इस तरीके से आदमी से आप बचिए, सावधान रहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि मैं भी लगाया था मेरे पास भी इसी तरीके से जो फ्रॉड हुआ है, बट मैं यहाँ पर दोनों जो आया हुआ ऑफर लेटर मैं यहाँ पर चेक करवाया, ठीक है, और मैं बच गया, क्योंकि मैं जो है टेक्निकल लाइन का आदमी हूँ और मैं दूर तक इसको सर्च करते रहता हूँ नेट पे, मैं तो मैं इसी तरीके से सर्च किया और मैं बचा। तो आप लोग भी इसी तरीके से बचेंगे, नहीं तो अगर इस तरीके से अगर सतर्क नहीं है तो आप लोग फंसेंगे। तो जो भी मेरे व्यूअर्स है जो अगर इस तरीके से वो चाहते हैं कि बचे, तो है ना ये वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए, ताकि जो ऑफर लेटर नहीं देखे हैं किस तरीके से फेक होता है वो भी वो देख ले कि ये ऑफर लेटर जो होता है वो किस तरीके से फेक होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ, नया नया टॉपिक पर भी मैं जो है वीडियो पर डे अपलोड करते रहता हूँ, और मेरी वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो इस तरीके से आप जो है बच सकते हैं, अगर फिर इस तरीके से आप सतर्क नहीं हैं तो फिर आप बुरे फंसिएगा। आज आपने जाना कि किस तरीके से ऑफिस वाला जो है फ्रॉड करते हैं और आपको कैसे बचना है। अगर आप मैं जो बताया हूँ वो जो आप कीजिएगा तो कभी भी आप जो है फ्रॉड के शिकार नहीं बनिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।